हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम कीपिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। पर उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके से रेड कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है इसको दबा दीजिए। साथ ही साथ आप ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं। यहाँ पे आपको ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, इग्नू बीकॉम में जाना है और एक छोटा सा नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं, जहां पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। जो भी मेंबर्स होंगे उनको असाइनमेंट्स फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा आपके कोर्स का। साथ ही साथ आपको लो कॉस्ट जो है नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि वैलिड रहेगा तब तक जब तक कि आपका कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट, ठीक है ना। इसके अलावा आप जब भी स्टडी करें तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में आए। चैनल में विजिट करने के बाद जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है यहाँ पे आए, आने के बाद इग्नू बीकॉम न्यू में आप क्लिक करें। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसके अंदर ढेर सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही आसानी से जो है अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, जो की है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम कीपिंग। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है भाई, देख लेते हैं। सबसे पहला है इंश्योर्स पंक्चुअलिटी ऑफ वर्कर्स एंड आइडेंटिफाइज लेट कॉर्नर्स, है ना। तो ये एक तरीके से वर्कर्स के बीच में पंक्चुअलिटी को लाता है कि वर्कर जो है टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, तो वर्कर जो है पंक्चुअल हो जाता है। साथ ही साथ जो ऐसे लोग होते हैं जो कि लेट से आते हैं, लेट से जाते हैं, लेट से जाते नहीं है, जल्दी जाते हैं लेकिन लेट से आते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं जो लेट कॉर्नर्स होते हैं उनको एक तरीके से कॉर्नर करने में, उनको एक तरीके से अलग करने में जो है आपको सहायता मिलती है, ताकि आप पता कर सकें कि कौन सा व्यक्ति जो है वो लेट से आ रहा है ना। तो टाइम कीपिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि वर्कर्स के अंदर पंक्चुअलिटी लाई जा सकती है, साथ ही साथ जो लेट कॉर्नर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दूसरा है इम्प्रूव डिसिप्लिन अमंग वर्कर्स। तो वर्कर के बीच में डिसिप्लिन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप काम करने के लिए जाते हो किसी जगह पे, तो अगर आप डिसिप्लिन वे में काम नहीं करोगे तो काम जो है वो ठीक तरीके से सही टाइम पे पूरा हो भी नहीं पाएगा। सो डिसिप्लिन लाने के लिए लोगों में, वर्कर्स के बीच में समटाइम्स जो है इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, टाइम कीपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट है बूस्ट मोरल ऑफ पर्सनल, है ना। तो जो व्यक्ति है जो काम करने के लिए जा रहा है, जब वो देखेगा कि भाई सबके साथ सेम व्यवहार है, सबके साथ जो है उसका टाइम ऑफ अराइवल टाइम ऑफ डिपार्चर अच्छे तरीके से मेंशन किया जा रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको सैलरी नहीं दी जा रही है, जो आ रहा है उसको अच्छी सैलरी दी जा रही है, तो इस तरीके से किसी जब चीजें होती है तो एक वर्कर को ना डिफरेंट महसूस नहीं होता और उसको लगता है कि उसका जो मोराल है वो बहुत ही बूस्टेड रहता है, वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से ईमानदारी से वो कर पाता है। तो बूस्ट मोराल ऑफ पर्सनल, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम कीपिंग। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज promotes a productive environment in the organization. तो जब आप टाइम कीपिंग करोगे ना, टाइम कीपिंग जब आप कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, तो उसके उसमें ना लोग जो है काम भी बहुत ही ठीक तरीके से करते हैं। वहां पे लोग जो है प्रोडक्टिव होकर के काम करते हैं, आपका जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही प्रोडक्टिव रहता है, लोग बहुत ही साथ मिल करके यू नो आपकी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो है काम करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम कीपिंग। फिफ्थ नंबर पॉइंट है चेक्स आइडल टाइम, मतलब ऐसा टाइम जो कि शांत बैठा हुआ है, मतलब किसमें कुछ भी प्रोडक्टिव नई चीजें नहीं हो पा रही है, तो उसे हम बोलेंगे आइडल टाइम। तो आइडल टाइम को एक तरीके से चेक करने का काम जो है वो टाइम कीपिंग करती है। एंड इंक्रीजेस आउटपुट बाय एडहेरेंस टू प्रोडक्शन शेड्यूल्स, है ना। तो जो आइडल टाइम है उसको वो चेक करता है, साथ ही साथ आउटपुट बढ़ाता है इन सारी चीजों को चेक करके, इन सारी चीजों को समझ करके कि क्या क्या चीजें जो है आपको बेहतर करने की जरूरत है, जो प्रोडक्शन शेड्यूल है उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सके, किस यानी क्या करना चाहिए ताकि जो आइडल टाइम है वो ज्यादा ना हो एक दिन में, जिससे प्रोडक्शन बढ़े और कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी ठीक तरीके से हो पाए। इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देने का काम जो है वो टाइम कीपिंग का होता है। दैट इज वाई टाइम कीपिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। सिक्स्थ नंबर पॉइंट है helps recording of time of statistical purpose, है ना। तो जो भी statistical purpose से जो भी time आपको record करना है, मतलब जो भी benefit आपको होना है वो आपको होगा, क्योंकि time keeping जो है आपको help करता है कि आप statistical purpose के लिए किसी भी तरह की data को आप एक तरीके से record कर सकें, है ना। तो ये benefit जो है आपको यहाँ पे मिलता है from the time keeping, है ना। time keeping का ये importance एक हो गया कि it helps in recording of time फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पस, ये टाइम को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है, जिसका इस्तेमाल जो है आगे जाकर के स्टैटिस्टिकल पर्पस में हो पाता है। सेवेंथ नंबर पॉइंट है मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द पीपल, है ना। तो एक व्यक्ति ने कैसा काम किया, कितने देर तक काम किया, उसका जो काम उसको असाइन किया गया था वो उसने पूरा किया नहीं किया, कहां तक किया, ये सारी की सारी चीजें जो है टाइम कीपिंग के थ्रू पॉसिबल हो पाती हैं। तो टाइम कीपिंग में एक तरीके से देखा जाता है, उनको मेंटेन किया जाता है रिकॉर्ड्स को, कि एक व्यक्ति किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे जो है उनको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, ठीक है। फिफ्थ एट नंबर पॉइंट है
असिस्ट कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट पर यूनिट, है ना। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालने में जो टाइम कीपिंग है वो एक तरीके से हेल्प करता है, और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है या फिर लेबर कॉस्ट है उसको निकालने में जो है हमारा टाइम कीपिंग बहुत हद तक हेल्प करता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंसेस, आप इनको अगर एडवांटेजेस आपसे पूछा जाए टाइम कीपिंग का तो भी आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो, क्योंकि सेम एडवांटेजेस होंगे यहाँ पे, जो एडवांटेजेस होंगे वो भी सेम होंगे। तो इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस अगर आपसे पूछा जाए तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिखें, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल का नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो जब भी मैं कोई वीडियो आपके स्क्रीन पर डालूं, आपके यूट्यूब चैनल पर डालूं, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो, इसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं इनकरेज करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को पक्का लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। जब आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो 500-1000 रुपए आप हर महीने का पे करते हैं, यहाँ पे उतना आपको पेमेंट नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको 119 रुपीज ही पे करने हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल सा फी है, और इसके अंदर जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं वो बहुत ही ह्यूज है, ऐसा बेनिफिट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई आपको असाइनमेंट फ्री में प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई भी आपको आपकी एग्जाम की तैयारी भी जो कराने में इस तरीके से हेल्प नहीं करेगा जैसा कि हम आपको करवाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।